सुपरस्टार सलमान खान की हम बात करना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हैं कुछ लोग जो उनके पीछे हाथ धो कर पड़े हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 90 के दशक में अपनी फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान निकल पड़े थे जंगल सफारी के लिए। वहाँ उन्होंने काला हिरण का कर लिया था शिकार, जिसके बाद राजस्थान के जोधपुर में वो जो घटना घटी, इससे एक पूरी की पूरी जो समुदाय थी बिश्नोई समुदाय, उसकी ओर से बिश्नोई समाज ने सलमान के खिलाफ उठाई आवाज़, और इसके बाद ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान के पीछे पड़ गए। जब केस हुआ और इस मामले से सलमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा बढ़ता चला गया। सलमान को उन्होंने अपने निशाने पर तो तभी लिया था जब वो खुद अरेस्ट हुए थे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, और उन्होंने कहा था सलमान खुद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बाद में देखते हुए मौका दिया गया। जेल से भी कई तरह की साजिशें रची गई। सलमान खान ने ये भले ना सोचा हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसे भी करके छीन ले, इसकी तैयारी आए दिन होती रही। अब ये मामला इस कदर आगे बढ़ गया है कि अब सलमान खान पर सीधा हमला बोलकर उनकी जान लेने के लिए बड़ी बड़ी साजिश रची जा रही है। काला हिरण मामले से बाइज्जत बरी होने के वजह से सलमान खान की जान को खतरा और भी बढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर सलमान थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की ओर से एक ग्रुप ने ये मैसेज भी भेजा था, अगर सलमान माफ़ी मांग लेते हैं, अगर वो झुक जाते हैं, अगर उनका ईगो नीचे आता है, तो ज़रूर उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन सलमान ने माफ़ी मांगना तो दूर, इस पर राय देना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसके अलावा बिश्नोई समाज की ओर से भी सलमान खान से ये कहा गया, सलमान अगर वहाँ वो उनके देवी देवताओं के सबसे करीब मंदिर में आकर माफ़ी मांगते हैं और कसम खाते हैं कि आगे वो ऐसा नहीं करेंगे, अपना नाक रगड़ते हैं, तो ज़रूर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, फिर उनकी जान को खतरा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें सलमान तक पहुँचने की सलमान खान पर इसका खासा असर नहीं पड़ा। आए दिन वो पब्लिकली स्पॉट किए जा रहे हैं। अब सलमान जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर है, वो बड़ा प्लान बना रहा है। लास्ट वार्निंग सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई ने उनके बंगले पर अटैक करके दी थी, और अनमोल बिश्नोई ने पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था सलमान ने माफ़ी नहीं मांगी तो अब हम उन्हें वार्निंग नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट वार्निंग था, अब सीधा हमला होगा। ऐसे में आपको बता दें, सुपरस्टार सलमान के फैंस की धड़कनें तेज ज़रूर हो गई होगी जानकर कि सलमान की जान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है बड़े स्तर पर। बिश्नोई गैंग के लोग ना सिर्फ इंडिया बल्कि कैनेडा और यूके जैसे बड़े शहरों में भी मौजूद हैं, जहाँ वो छुप कर रह रहे हैं। ऐसे में जहाँ मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर सलमान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के बाहर से 4 लोगों की बुरी हरकतों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया था, खान परिवार को राहत थी, लेकिन वो राहत फिर से चली गई है। मुंबई पुलिस ने 4 अक्यूज को गिरफ्तार करने के बाद 5वें अक्यूज को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि सलमान खान की जान पर हमला बोलने वाले साजिशकर्ता एक हैं, जिन्होंने सलमान खान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची है। साजिश ये है कि सलमान खान को अब छोड़ा नहीं जाएगा। 5वें अक्यूज के बारे में बात करेंगे। 5वें अक्यूज आरोपी को किया गया है गिरफ्तार, और वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि सलमान खान पर ये दूसरे अटैक की प्लानिंग जो 5वें आरोपी ने की है, उसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर पूरा सच जानना चाहा, तो काफ़ी हैरान करने वाला सच सामने आया। मुंबई पुलिस ने दीपक गोगालिया को अरेस्ट किया है, क्योंकि जॉनी वाल्मीकि नाम से जान जाते हैं, उनके अलावा है। और बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही
एक हिस्सा थे जॉनी, जिनके अलायज माने जाते हैं दीपक गोपालिया। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इस गैंगस्टर ने प्लान किया था सलमान खान की जान को लेने के लिए, और उसी गन से, उसी हथियार से सलमान की जान लेने की साजिश थी, जिस हथियार से पंजाब के नोटेड सिंगर सिद्धू मूसेवाला की इन्होंने जान ली थी। ये जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी छीनने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही गोल्डी बरार थे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था खुलेआम कि मैंने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है, हम इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। ये खौफ इन्होंने कहा था। मुंबई पुलिस का डर कभी हुआ करता था, अब ये डर नहीं है, ये कहा जा रहा है। वही तो इस तरह से खुलेआम गैंगस्टर्स घूम रहे हैं। अब गैंगस्टर ने एक्टर को उसी हथियार से ख़त्म करने का मन बनाया, तो उसकी साजिश सोचिए कितनी बड़ी उन्होंने रची होगी। डिटेल्स में बात करें तो रिपोर्ट्स ये भी थे कि बिश्नोई गैंग ने उनकी कार को रोकना चाहा, सलमान खान की कार को फार्म हाउस के पास रोकने की कोशिश की थी, और AK-47 राइफल से सलमान खान को शूट करने की तैयारी भी थी बिश्नोई गैंग के लीडर्स का। और वहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन वेपन्स जो हैं ऑर्डर किए गए थे पाकिस्तान से। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से एक आम डीलर भी रेफर किया गया, जिसका नाम डोगरा बताया गया, और उसके साथ संपर्क में आया गया। पांचवे आरोपी, जो कि चार आरोपियों से अलग है, धनंजय तोप सिंह और गौरव भाटिया, वापसी खान, वसीम चिकरा, रिजवान, इन सब से अलग बताया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ इस रिपोर्ट में कन्याकुमारी में छुपे हुए शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है, जो कि श्रीलंका में मिलने की प्लानिंग कर रहे थे। ऑफिसर्स ने बात की है चारों ही आरोपियों से, और अरेस्ट किए गए उससे भी जिसने सेकेंड अटैक की प्लानिंग की। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहते हैं कि बांद्रा में 14 अप्रैल को 20 से 25 लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे प्लानिंग के पीछे, जो फॉल अटैम्प्ट था ओपन फायरिंग का, और अलग अलग जगह में फार्म हाउस में रहते थे चारों लोग, जिन्होंने मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। सलमान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें, शूट अप्रैल में शूट करने से पहले से ही नवी मुंबई के सर्किल DCP विवेक पेंसोरा ने बताया कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, इस पर बात करने की वाकई में ज़रूरत है। इस तरह से सलमान की जान को लेकर हालत काफ़ी ज़्यादा लोगों की सहमे हुई है। नेक्स्ट 9 लाइव्स, ऋतिक रिपोर्ट।